बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेल्थ टीवी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल हेल्थ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। व्यूअर्स, आज हेल्थ टीवी आपके लिए जो वीडियो लेकर आया है वो है ग़िज़ायत से भरपूर सलाद कैसे और कौन कौन से सलाद आपको इस्तेमाल करने चाहिए। हेल्थ टीवी सलाद की वीडियो पहले भी प्रोड्यूस कर चुका है और आज एक हम और वीडियो सलाद के आए हैं कि कौन कौन सा सलाद आप इस्तेमाल करें, सेहत पर सलाद बनाने के क्या तरीके हैं, इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए और ग़िज़ायत इसमें कितनी होनी चाहिए। एक रवायती सेहत बख्श जो सलाद है उसमें 60% कच्ची और रंगीन सब्जियां, 30% प्रोटीन और 10% नट्स और बीज शामिल हों। औसत कैलोरीज की हामिल सलाद ताज़ा सलाद के पत्ते, टमाटर, गाजर, पनीर, फलियां, ब्रोकली और खीरे पर मुश्तमिल होती है। इसमें हरारों की तादाद 50 से 100 होगी, लेकिन ये सब्जियों की मकदार पर मुनसर है। अगर इसमें आप 2 खाने के चम्मच जैतून का तेल भी शामिल करते हैं तो तकरीबन 150 से 180 कैलोरीज तक ग़िज़ायत पहुँच जाएगी। इसी सलाद में एक चिकन ब्रेस्ट 200 कैलोरीज अगर आप मिला दें तो 400 कैलोरीज या हरारों वाली ग़िज़ायत बख्श सलाद तैयार की जा सकती है। व्यूअर्स, अब हेल्थ टीवी आपको ये बताएगा कि सलाद कौन कौन सा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको गाजर और चने का सलाद। थोड़ा सा तरीका भी बता देता हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। कद्दूकश की हुई गाजर थोड़ी सी आप ले लें, खीरे के कुतले ले लें, उबले हुए सफ़ेद चने जो हैं वो हाफ प्याली, ब्राउन चावल, तुलसी के पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें आप ले लें, इनको मिक्स कर लें और सलाद बना लें। इंतहाई जो है वो सेहत के लिए मुफीद सलाद है। व्यूअर्स, दूसरा जो सलाद है हेल्थ टीवी रिकमेंड करेगा वो है फिश सलाद यानी मछली का सलाद। इसमें नारंगी के कुतले ले लें, ग्रिल्ड मछली यानी ग्रिल्ड फिश के कुतले आधी प्याली ले लें, टमाटर, सब्ज़, धनिया, पिसी हुई स्याह मिर्च, इसको आप बनाएं और खाएं और मज़े करें। गाजर और आलू की सलाद, उबली हुई गाजर ले लें, उबला हुआ आलू ले लें, ग्रिल्ड मुर्गी हसब ज़रूरत, दही 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई स्याह मिर्च ले लें और फिर इसका सलाद बनाएं। आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, सबको इससे फ़ायदा होगा। व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताऊं कि वैसे शकरकंदी का सलाद भी होता है। उबली हुई शकरकंदी ले लें, खीरे ले लें, गाजर, नौरंगी, पिसी हुई स्याह मिर्च ले लें तो शकरकंदी का जो सलाद है वो तैयार हो जाता है। ब्राउन राइस सलाद, पालक ले लें, चिकंदर, ब्राउन चावल, कद्दूकश की हुई गाजर, फलियाँ या उबली हुई दाल लें, पिसी हुई स्याह मिर्च ले लें तो ये सलाद भी, ब्राउन राइस सलाद आपका तैयार हो गया है। अब हेल्थ टीवी आपको बताएगा कि सेहत पर सलाद बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सलाद की प्लेट में सलाद के पत्ते या पालक की अच्छी मकदार रखें। कुछ सलाद की तरकीब में प्रोटीन की एक से ज़ायद वैरायटी मौजूद होती है, मसलन अंडे, चिकन वगैरह, तो किसी एक प्रोटीन का आप इंतखाब करें, दोनों का जो है वो इंतखाब ना करें। कोई नशास्ते से पाक सब्जियाँ जैसे गाजर, सुर्ख पेपर और ब्रोकली सलाद के लिए बुनियादी ग़िज़ाई जुज़ बनाएं। कुछ सेहत बख्श कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलाएं, मिसाल के तौर पर ब्राउन चावल या शक्करकंदी वगैरह। ये चीज़ें एहतियात आप ये करें कि सुपर स्टोर या रेस्टोरेंट्स में दस्तयाब सलाद खरीदने से गुरेज करें, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट्स या सुपर स्टोर के सलाद होते हैं ये आमतौर पर बासी होते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही अपने न्यूट्रिशनिस्ट फराज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।